अरे का कर रहे हो जो हम हाउ के दिए अब का कर रहे हो यार तुम जो तुम्हें दिखात नहीं तुम्हारा नीचा खूटा ठोकी रहे तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है परागो रोज रोज हमारी नींद खराब कर देते हो खूटा ठोक रहा हूं कुछ तो यार का अपनी जगह हम खूटा ना ठोकी का तुम्हारी जगह आ जा और भाई कहीं की जगह है जा तो का नियमा खूटा ठोक दिया यार अरे यार तुम्हारी नींद हुआ है हम खूटा यहां ठोक रहे खाली दिमाग खराब कर रहे हो तुम्हारो परागु ये का उखाल लो शोर ना करो पूरा हम सवेरे वो सोत होए हम तो ठुक ही बार तोल लो तुम मेरे रुको तुम ही आ जा तो वार या पार यार परागु यार चंदू हम तुम्हारे बहुत तेज खींचे टीम मार दे अब है रोए के भाग जी हो तुम हां ए काकर जब देखा तब सारा बकचोदी कर दिया हाथ लगा तुम लगा हाथ लगा भाई हाँ लगा भाई लगा नहीं लगाई चंदू नपोरा नहीं है अब हम तुम्हारे हाथ लगावे तुम्हें एफआईआर लिखवाई ना हो हम जेल काट के वो कुल्हाड़ी देख रहे हो हम बीच तुम्हें चीर दी धमकी दे चंदू धमकी हाँ दी हमारी निद्रा में बिघ्न डाल रहा हो तुम एफआईआर लिखवाई वो अरे हम अपनी जगह हम खूटा ठोक रहे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है यहाँ करो एफआईआर करो देखे कैसे करियो ऐसी मुरली बजाए मेरा गाना हो जाए जग सारा दीवाना बांसुरी यार लल्ला बंद करो यार का जो भजन बंद करो का समस्या है भाई समस्या बहुत है यार प्रेशर ना रिलीज हुई पाई रहो तुम भजन बजाओ तो एक ही लिरिक्स मेरा कान में पड़ती हम शौचालय में बैठे यार पाप हम डर रहे हो मैं ना तो तुम्हारी का इच्छा है हम भजन ना सुने हम तो पड़ोसी तो बहुत परेशान बंद कर लो हम बताओ ना ही बंद करी टाइम नहीं हो हमारो गांव हमारो मोहल्ला हमारो घर हमारो बाजा हमारो मन बजे ही लो रोक लो हम कहा जो भजन बंद कर लो यार
ददुआ पांच हुए अरे भजन ना बजाऊं दे रहा है देख रहे पापा की जैसा ही हम शौचालय में एंट्री कर उसे जो भजन बजाई दे सवेरे सारो पीछे पड़ जाते हमारे हाँ तो जल्दी उठाओ करो दौड़ लगाओ हमारे तरह नहाओ धो पूजा पाठ करो सोई हुआ 12 बजे उठाते हैं सही तो कहा 12 बजे सोई उठियो फिर तुम्हारे कान में आवाज ना जाए बहुत बड़े राजा बन गए हो तुम बेहुदा कहो फिलहाल मेरे कान में भजन की लिरिक्स में पढ़ना चाहिए अच्छा ले फिर बजेंगे हमारी का छुड़ी ही ना कि मां के ए चंदू मनी हो ना जल होले होले हाय बजाई लो घंटा रुको चंदू तुम्हारी व्यवस्था करियो दे थोड़ा रुकियो तुम अब हां उठ संभाल लो पर आते नहीं तुम और भाई बड़े पैसे उड़ा रहे हो आजकल क्या चल रहा है अरे भाई मैं मेरी नॉलेज का यूज करके प्रोवो ऐप से पैसे कमा रहा हूँ ये प्रोवो ऐप क्या है भाई तुम्हें नहीं पता ना भाई अरे यार प्रोवो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें यस या नो में जवाब देकर तुम ढेर सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हो बड़ी आसानी से भाई तूने कितने कमाए ये बता दो देख जैसे अभी एशिया का फाइनल मैच हुआ था उसमें आए सवालों का जवाब देकर मैंने ढेर सारे रुपए कमाए ये तो यार बड़ी मजेदार ऐप है हाँ भाई प्रोवो पर कई तरह की कैटेगरीज हैं जैसे क्रिप्टो क्रिकेट फाइनेंस इंटरटेनमेंट अच्छा? और भी बहुत तरह की 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रोवो पर ओपिनियन देकर पैसे कमाए हैं भाई देख जैसे अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज है और इसमें सवाल है कि इंडिया क्या फर्स्ट मैच जीतेगी अरे बिल्कुल यार इंडिया टीम ही जीतेगी अपनी तो इसमें मैं यस कर देता हूँ देखो मैंने यस सिलेक्ट कर दिया और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश पर ये पैसे आएंगे कैसे यार भाई गूगल पे पेटीएम यूपीआई के थ्रू 24/7 तू कभी भी अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता है और ये ही नहीं मैच के दौरान यस या नो में जवाब देकर इंस्टेंट पैसे जीत सकता है भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया तो भाई अब कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके अभी तू रजिस्टर करेगा ना तुझे 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा ठीक है भाई मैं अभी करता हूँ जा जल्दी कर लिपलेंडर है के परागू हाँ सवेरे लड्डू बटर रहे तो तुम कहाँ रह गए रहो यार चूक गए यार अब हो तो लैया अब तेल लगा वो अब ना मिले उतर जब डबल स्टैंड टूट जाए उतर गाड़ी नीचे उतर हाँ उतर तमीज ना है का बोलन की बूढ़ा लड़के बता ही ना सका यार गिर पड़े गाड़ी है भाई नई गाड़ी लाए कल ही रही फिर हो बहुत बढ़िया रहो भाई एक मोटरसाइकिल जरूरी है बहुत जरूरी रहा है परागू तुमने तो हमें कब सुई नहीं दी हम बहुत परेशान रहे अब अपनी मोटरसाइकिल आई गई बढ़िया है वैसे भाई अपनी अपनी पसंद है लेकिन हमें छोटी मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगत बुलेट लाई होती तुम्हारे तेरे कितनी है बुलेट चाचा इनके सबसे बड़े वाले भैया तेरे एक साइकिल है सिर्फ बाकी इनके घर में मोटरसाइकिल ना है एक अरे ऐसे ना ही कहते यार अब वो उन्हें दहेज मिली रहा है लोन पर लाई हुई है क्या अरे फुल पेमेंट है भैया हाय हाय अरे जा इन्हें घर छोड़ दिया इन्हें कबू मेरी खुद ही बर्दाश्त नहीं भाई आ चुका हाय पेट में दर्द हुई रो बहुत तेज अरे ना तुम्हें हमारी खुद ही कबू बर्दाश्त नहीं भाई जा जा सीधा शौचालय में घुस दिया इन्हें बहुत सारे पड़ोसी जलते हैं भाई तरक्की बर्दाश्त नहीं होती इलेक्ट्रिक मीटर है अब ठीक ना चंदू हाँ अब लगो बढ़िया चलो भाई हम चाहत रहे कि चंदू भी मोटरसाइकिल चलाए वैसे कलर यार मजा नहीं दे रहो भाई काहे का दिक्कत करिया है अरे सुवा पंखी लई होती अरे यार लल्ला ऐसा हो रहा है ना सुवा पंखी थोड़ा डिमांडिंग कलर है हाँ वो तो है हमने ऑर्डर पहले दो लाए रहे इस चक्कर में हमें मिल नहीं पाओ अगली बार जब लही गाड़ी तो हम सुवा पंखी कलर की लही हाँ तब ठीक उसे इतना बेकार राय लगत रही अरे ना यार बहुत बढ़िया लग रही जो बड़ा धुआं निकल रहा का बात धुआं का यार वो खेत से आए हैं तो बॉडी है गरम
तब हम बास पे निकल रही दिख रहा है दिख रहा है तो क्या किस तन पलाये हुई हो अरे तुम लोग यार हमें कमजोर समझते हो का घर को भतीजो कमाए कमाए दे रहो दिल्ली फुल पेमेंट पर लाए कुछ हाँ तो भाई ढीला लग रहा है यार तुम्हारा बीपी लो हो गई लल्ला थोड़ी दिक्कत तो बनी रहती पड़ोसी को बहुत पड़ोसी खुद ना ही रहते अरे ना कैसी बात चल रहा है हमें तो बहुत खुशी है बताओ तुम मोटरसाइकिल लिया है भगवान कृपा से तुम भैया खूब तरक्की करो वा अच्छा चल रहा नहीं हम गिर जाए लगा हाँ हाँ जाओ 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 तुम भी गिरा भाई और गिर जाइ पार्टी जा रहो है आओ चंदू लल्ला का तो पार्टी गो है अब का बता मैं तुम्हें लल्ला के बारे में लल्ला मेरी तरक्की पर जल रहे हैं अब हम लाख डेढ़ लाख की मोटरसाइकिल ले आए लल्ला का है ना जली बहुत सारो जलन खोर है अब पूरा मोहल्ला जल रहा है यार नहीं हम ना जल रहे झूठे ने बोला यार बताओ तुम्हारी कसम खाई जाए चलो ठीक हम आज तक कबू किसो खुशी नजर है ओ नजर बहुत गंदी है हम भैंसिया लेके आए भैंसिया की नजर मार दे हम तो पूरी करिया मोटरसाइकिल लाए अब करिया में का नजर मेरी धारो तो भैंसिया हम कौन सी गोरी लेके आ रहे पूरी करिया रहा है आगे से पीछे तक पूरी बात यार तुम्हारी सही औ कौन से स्प्लेंडर है टॉप मॉडल अच्छा प्लेटिना लाए होते प्लेटिना ज्यादा बढ़िया है प्लेटिना थोड़ी मद्दी रहा है और हमें सस्ती चीजें समझ में नहीं आती जब महंगी है तब लाए एवरेज बढ़िया है अरे एवरेज बढ़िया है भतीजो घर को कमाई रहो दिल्ली में ना चलो बढ़िया है चलाबो हम तो खेत से आए लड़का ने बताओ भाई चाचा मोटरसाइकिल लिया है हमने लाभो मोटरसाइकिल देखे बन जाए भूख बहुत जोर लगी है भूख मरीगा ही कतई का है खुशी मारे हमने चंदू मोटरसाइकिल लिया बताओ दिख रो खुशी दिख रही ठीक अच्छा फिर हम चल रहे हैं तो मंदिर जाना है पूजा करवाई ला मंदिर पूजा नहीं करवाई चलो ठीक अब तुम्हें मिठाई हम शाम खवाई है लड्डू खत्म हो गए लेट हुई लगे बहुत लेट हो बहुत ज्यादा लेट चलो ठीक है फिर चल रहे हैं हाँ हाँ चंदू बहुत खुश है हमें दिख रहा है तुम कितने खुश हो यार हे भोले बाबा नजर न लगाई बहुत सारे पड़ोसी हमें मना कर रहा हूँ खुद ही बैठे अब बताओ तो चाहे तुम्हें हम अरे अब है तुम्हें क्या मतलब है मरिया हो मैं गाड़ी की पूजा बाद में करी पहले हम तुम्हारी पूजा करें तुम्हारे दिमाग ज्यादा खराब हुए हेलो हाँ फूफा पहुंचो अरे एक बात बताने रहा है तुम्हें फोन करो हमारो ना हुआ वो है लिस्ट में कॉलोनी बनने वाली है घर की हाँ अरे आप कहत करो रहा प्रधान जी के काहे तेल लगाओ देखो तेल लगा रहा सफल हुई वो हम अपात्र हैं तो हमारो नाम आयुगो आ जाइए बुआ के लेके किसो दिन फिर हाँ मुहूर्त निकलवाई है वो ठीक 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 पहुँचो फूफा जीजो को बता ही दें नाराज हुई जी हेलो जीजो पांच हुए हाँ हम हमें एक बात बताइए यार कॉलोनी आई है घर की मंगल भवन मंगल का हाल भाई पड़ोसी बढ़िया बढ़िया तुम बताओ झनकार कहाँ भजन चल रहे है कुछ ना यार हमने सोची बाजार हुई हमें जाए जरा अच्छा अच्छा चलो हुई आओ और जो तुम्हारा पड़ोसी आजकल बड़ा खुश है चंदू हाँ पता नहीं का हो है आज सुबह जब से उठे हैं मौसा ले मौसी ले बुआ ले फूफा ले सबके तेरे फोन कर चुको है और पता बहुत खुश है तुम्हें मालूम ना है ना अरे तुमने लजवाए दो यार पूरे गांव को पता चली गो है का भो का बताओ बताओ कॉलोनी आई गई है हाँ तुम्हारी खपड़ी तुमसे बड़ो मकान बन के तैयार हुई तुम्हारे घर धूप ना आई है तुम्हें विटामिन डी ना मिली तो यार बीमार हुई जी करो और रुका का कन्ने हुई कन्ने का हुई प्रधान जी कहते चलो हाँ। लिस्ट में से इनको नाम हटवा दो हाँ। अपनों बढ़वाई दो नहीं तो इनके बराबर फिर मकान बनाइयो बहुत तुमसे हुई ना पाई तुम्हारी औकात ना है वरना तुम्हारी खपड़े हवेली बन के तैयार हुई है कल लेकर हवेली की माँ की आंख चलो प्रधान तेरे चलिए चलो आबो आबो ससुराल बिना बुलाए हमारे बापो ना आएंगे तो हम का जीवो नमस्ते प्रधान जी नमस्कार नमस्कार आओ जानकार क्या हाल बढ़िया प्रधान जी हम जा गए रहे
सबकी कॉलोनी आई रही, मेरी क्यों ना आई? कहाँ सबकी आई रही? सबकी आई रही। अरे जो पात्र हैं उनकी आई रही, तुम तो यार पात्र हो। अच्छा हम पात्र हैं। और का चंदू पात्र है? हाँ। मतलब हमसे बड़ो मकान उनको बनो खड़ो, अब वो पात्र है हम पात्र हैं। देखो चंदू की बात है अलग, उन्हें इलेक्शन में खुलो सपोर्ट करो। अच्छा हम लोगों ने ना करो भाई, विपक्ष में रह के वहाँ पर बरक करी हमने, देख लो यार चुनाव के बाद ही सब भूल जाए। अरे अरे हमें पता है, सब पता है, तुम यार इतनी जलन का है? ले ले पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं जली तो किससे जली? और रुका, और मतलब हमारे पड़ोस हमसे ऊंचो मकान बनाए खड़ो कर दी, फिर हमारे घर में धूप नहीं, धूप नहीं है, फिर हमारे बा का बताई रहे भाई तुमने? विटामिन डी। हाँ बा विटामिन डी बाना ही मिली। अरे करिया वालों कैप्सूल खाओ, सब विटामिन मिली हुई माँ। अरे प्रधान जी कुल मिलाई के या तो आप चंदू का नाम काटो या तो मेरो बढ़ाओ। देखो भाई चंदू का नाम उतना ही कटे, अगर तुम्हारे मित्र सर्वन बलिदान दें तो बता इनको नाम काट दे। ये प्रधान जी नपोर हो जाए, उंगलियां नीचे, हमारो नाम ना कट जाए लिस्ट में। फिर सर्वन यार तुम्हारो हुआ बताओ ना तुमने। अरे हम बताने वाले रहे तुम्हें, गौदारी कोर बे। अच्छा एक बात बताओ प्रधान जी, तुम्हारे पड़ोस में अब है कोई तुमसे ऊंचो मकान बना के खड़ो कर दे, तुम्हें तकलीफ हुई या ना? कसम खाई कहियो जो बात। तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो मतलब होते, लेकिन चंदू का नाम थोड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा हाँ। चलो ठीक कोई बात नहीं, चलो सर्वन फिर डीएम साहब तेरे हाँ, चलाएं एप्लीकेशन दे चलो। अरे 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 तुम तो मतलब बुरो मान गए, बातें यहाँ पे इसी कर रहे हो मतलब। ठीक है गुड्डू, ए गुड्डू बा आवास भाई लिस्ट ले आओ, अब मां मेहंदी रख लो तने और धीरे चल ले। आज तो रह रहा है भाभी ने काम बताई दो रहा है। आओ करिया है, करिया ही है। देखो यह नाव है। हाँ हाँ काटो चंदू। हाँ जो तो नीलो है। अरे पेन करिया है। अरे चल तो नीलो है। अरे दादा पेन करिया है। मूर्ख। अरे हुई है काटो ठीक। हाँ अब ठीक, तसल्ली मिल गई। अरे बड़ा परेशानी रहा इस बात की भाई। एक बात कहाँ है? हाँ बताओ प्रधान जी। अगर पड़ोसी पड़ोसी की मदद कर दे। अरे तो पता गुड्डू, अगर पड़ोसी पड़ोसी की मदद कर दे पेन लाओ तो सब सुन तो ले, सब सारे मूर्ख हैं। भतीजा हाँ। सब मामला फिट है, सब व्यवस्था ओके, बदनामी नहीं कर रहे यार। आई पर एक नौ बिस्तर डाल रहा हूँ, नई चादर होना चाहिए। चादर तो नहीं है ना, तो पड़ोसी दिमाग नहीं कर। अरे ना यार पिछली बार नातेदार पता चली हो रहा है, मांगी के चादर बिछाई रहा है, रिश्ता टूटी हो रहा है, चादर नहीं होना चाहिए। और एक रंग के कप रखी हो, रंग बिरंगे कप ना हो प्लेट में, तो गिलास रख ले ना। गिलास रख लियो, गिलास चल जाए ठीक। हम का कह रहे हैं हाँ, पड़ोसी ने बुला ही ले तो पगलाई गया क्या? एक पड़ोसी खुद ना ही है, बात तो सही है, कतई कान भनक ना पड़े, रिश्ता ना हुई पाई। अब बड़े भतीजे की हुई तब है तुम्हारी हुई पाई, इसलिए थोड़ा ध्यान से नमकीन थोड़ी बढ़ाई के रखियो। जान तो बाबा खाई जाते, और पापा ध्यान से सुनो, कोई मौका की बात आवे खुल के कहियो, खर्चा बहुत होते शादी पार्टी में, हाँ फिर खाते ही रहो। ए भतीजा अब कुर्सी और बढ़ा लो यार, हम अब आउट। धीरे धीरे खाओ, का है बदनामी कराओ। शुक्ला जी बैठने में तकलीफ है आपक, हम कुर्सी बदलवाए दे। भतीजे इन्हें कैसे पता यार हमें बैठन में तकलीफ है? हमें तो कोई तकलीफ है अंदर वाली। अरे चाचा जब आदमी शादी ब्याह करते है ना तो अंदर से बाहर तक को सब पता लगा लेते हैं, हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। नहीं 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 तकलीफ कोई ना, सब बढ़िया है, बस लड़की की शादी करना है तो थोड़ी चिंता तो लगी रहा थे मान लो। अरे कतई टेंशन नहीं शुक्ला जी, आप बहुत सही जगह आए, बहुत भले आदमी हैं हम लोग, कोई पूछ लियो। सवेरे होती नातेदार आई है। वैसे आपको शुभ नाम क्या है? श्याम सुंदर। नहीं
श्याम सुंदर ना है, श्याम तो अति सुंदर है भाई, उनकी बात अलग है। अरे ना जय हमारे चचा हैं, इन्हें नाम श्याम सुंदर है, ये पहले बहुत सुंदर रहे, अब ये थोड़ा करिया ही गए हैं। ओ माय गॉड चाचा। हाँ? अंग्रेजी थोड़ी कम कम बोलो नहीं यार, तू कौन अर्थ हुई? अच्छा वो ऐसा है ना चाचा, पहले आर्मी में रहा है। आर्मी में रहा है और वहां सब अंग्रेजी चलती रहा है। भाई नातेदार झूठ ही ना बोलो यार। नहीं दुगला जी झूठ नहीं बोल रहे हम। हाँ। हम रहे आर्मी में। कौन से पद पर रहो भाई? हम एग्जीक्यूटिव लेफ्ट हैंड ऑफ सूबेदार रहे। हाँ जो कौन से पद है? बहुत चुनिंदा पद हो आपको पता नहीं? अच्छा अच्छा हमें लगत शादी वाले हैं, कितने तय होते हुए ही यार, लेकिन धारण बुलाओ नहीं। अरे चाचा मांग की बात करो। हाँ नातेदार तो बताओ भाई आपकी क्या मांग है? अरे शुक्ला जी मांग का हम भिखारी हैं। अरे आपकी लड़की ने जो चाहो तो दे दो, उपहार स्वरूप टीवी कूलर फ्रिज जो चाहो तो दे दो, हम मना नहीं करें। बाकी हमारे भतीजो पढ़ो लिखो है, दिल्ली में नौकरी करते, होशियार भी है, बस लड़का के पिताजी ना है। अरे लेकिन हमें बाप है समझो। तू ना कुछ बोलियो, कुछ करना पड़े लल्ला। चलो बाकी बातें होते रहे, आप लोग चाय लो, चाय ठंडी हुई जाए। पिंकू चाय लो। उसे अपने लोग ना लड़की ने घर पानी उन्हें पियो जाते शुक्ला जी। हाँ हाँ सही कह रहे हैं नातेदार, पियो तुम पियो, ये सारे कौवा बहुत हैं। हट हट। का हाल मौसा है? कौन मौसा भाई? अरे आप टेंशन ना लो नातेदार, इसका मौसा बाप हलगलीम है, फालतू की बात कर रहा है। का पहचानो नहीं? अरे पहचानो तो नहीं, आई जाओ इधर आई जाओ। हाँ अरे आई का जाओ, चंदू ने बुलाओ ही नहीं हमें। क्या भाई साहब आपको व्यवहार ना है का गांव में? अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, आ जाओ लल्ला आ जाओ। हाँ। आ जाओ भाई यार तो हम रहे हैं। क्या यार चंदू भतीजा जा हां है का तुम्हारी यार कुर्सी से डलवा दो। हाय 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 कुर्सी ले यार, कुर्सी ले आ यार। और मूसा आप ना पहचान होना है हमें, हम आपके नाना के घर की तरफ से रिश्तेदार हैं। अच्छा अम्मा ने बताओ भाई कि मौसा है, हमने तो जरूर मिल ही जाए भाई। पहचान होना है भैया तुम्हें वैसे। लो चाय पी लो यार। चाय ना पी यार। अरे पी लो यार, लो चाय पी लो, पिछला दिन तुम पूरा गांव भर में कही आ रहे हो कि हम चाय नहीं पियो। बड़ा करिया चाय है का, दूध उध नहीं रहे का? अरे दूध रहा है, हमने नातेदार पिलाई दो। अरे तो हमारे किंत ले लो, तो तुम्हारे अगर है वो बुझी भाग। तो मौसा फिर कौन से सिलसिला में आया रहो? लड़की की शादी के सिलसिला में आया रहा है। अच्छा हाँ तो बात हुई गई का? हाँ फिक्स ही समझो, नातेदार की कोई मांग ही ना है और लड़का भी सही है, हम तो सब बढ़िया लग रहे हैं। क्या भतीजे क्या चंदू कितना भाई फिर तुम्हारे यार बहुत आगे पर ही बताई नहीं, तुम तो पड़ोसी हो हमारा। क्या मौसा कितम तय करी? कोई मांग ही ना है नातेदार की, सब बढ़िया है। अच्छा तो कोई कमी हुई भाई तब तो मांगना ही है। अरे कैसी बात कर रहा है यार लल्ला, भाई लड़का की मर्जी है, लड़का दहेज ना ही मांगत। हाँ, बस उसे लड़की कर रही होना चाहिए। बेहूदा कहूं चल घर। भाई अब दहेज ना ली तो जरूर कोई ना कोई कमी हुई ना, फिर हम कौन कर लेते है कि नहीं? अरे भाई नातेदार दहेज ले ही ना रहे हैं। जमीन कितनी बताई ना? 5 एकड़। अरे 1 एकड़ जमीन है। हाँ? हाँ। लल्ला तुम्हें मालूम नहीं है, हमने टोटल बताई रहा है। हाँ तो हम टोटल बताई रहा तुम्हें। अरे आओ खेत दिखाई दे चले आओ। हाँ? हाँ। यार भतीजे और एक और बात बता मैं। हाँ। पूरी जमीन पर लोन है? लोन है पूरी जमीन पर? हाँ। क्या यार चंदू तुम्हें हमारे मौसा मिले रहे का? लोन पूरी जमीन अपनाई है, वो हम पर पर्सनल लोन है, लड़का के ऊपर कोई लोन ना है। आबो मौसा हमारे परिवार में चलो एक बढ़िया लड़का दिखाने चले। हाँ और का चलो। झूठी बोलती यार, बताओ यार नातेदार तुमसे जा उम्मीद ना रहे हमें, तुम सब झूठी बोल रहे, जमीनों तुमने गलत बताई और बताओ लोन भी है जमीन पर, ऐसे बात करियो। देखो नातेदार हम झूठी नहीं बोल रहे, बस लोन वाली बात तेरे को हम मानते हैं,
बराबर ना करी है। चलो मौसा चलो आओ यार। आई रहा लल्ला मान जो मान जाओ तुम बहुत तुमने बहुत गलत करो। अरे यार सब यार कुछ बोल लेते नमकीन मपती मजा ना आओ अच्छी वाली मंगाओ अनुग्रह यार। अरे का हुई वो पंचर हुई गई का। अरे यार बड़ा गलत जगह गाड़ी पंचर भाई है भाई कौन है। हेलो हाँ चंदू बोल रहा है क्या बताओ सड़क का दिखाओ। ना 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 हम पहुंच रहे हैं हम तुरंत पहुंच रहे हैं। अरे यार हे भगवान जो का करो तुमने इन्हें पंचर होने का है। अरे कोई आ जा तो भगवान। भैया 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 बात सुनो भगवान मेरा भतीजे बचा लिया कोई रोक ले तो अरे भैया भैया बाजार 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 अरे मेरे भतीजे का काम उनका दिखाओ कोई मदद कर दे यार। अरे भगवान भगवान हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ कितने हैं वो जनरल वार्ड में कितने पेशेंट हैं? 8 पेशेंट हैं सर। अरे डॉक्टर साहब। अच्छा 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 अरे डॉक्टर साहब हमारो भतीजा कैसे हो? कौन भतीजा? सुरेश सर गोसाम को आया था। अच्छा अच्छा अब परेशान होने की जरूरत नहीं वो ठीक है खतरे से बाहर है काले नाग ने काटा था उसे। धन्य है आप जो आपको इतने अच्छे पड़ोसी मिले समय से लेके आए अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो हम उसे बचा नहीं पाते। ठीक है परेशान मत हो। अरे परेशान ना हो यार चुप हो चुप हो कतई ही ठीक है भाई ठीक है कतई ही ठीक यार आए टाइम है तुम्हें लोगों ने यार बहुत गलत समझा रहा है तुम्हारा सबको धन्यवाद। चंदू यार परेशान होने की कोई जरूरत ना है आखिर पड़ोसी पड़ोसी काम आउ थे ना। सही कह रहे लल्ला और जो बताओ अच्छा अगर आगे लगी तो सबसे पहले कौन बुझेगी? पड़ोसी खुश हो जाओ खुश हो जाओ सब सही है अब तो कोई परेशानी ना है अब तो सब ठीक है बस ईश्वर की कृपा है भतीजो भी बची गो और भतीजे की शादी भी फिक्स हुई गई। अब 20 लाख रुपया हमारे जो बीमा वालों फंसो रहा है बहु आई वो आज क्या? अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ ऐसे मिनी अटैक तो इन्हें रोज पड़ते हैं क्योंकि ये सब पड़ोसी हैं। लाख लड़ेंगे झगड़ेंगे पर साथ देंगे कभी जलेंगे तो कभी जलाएंगे पर आपके दर्द में मरहम की तरह नजर आएंगे। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बिल्कुल न बने जले नहीं बराबरी करें क्योंकि फेंक तो रहे हो चिंगारी पड़ोस की झोपड़ी पर ए उत्पल आग लगी तो घर तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। पड़ोसी एक बल्ब की तरह है यदि चमकेगा तो पूरे मोहल्ले को रोशन करेगा इसीलिए हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहें और ये वीडियो भेजकर अपने पड़ोसी से कहना कि कभी तुम मांग लेना कभी हम मांग लेंगे कभी तुम साथ देना तो कभी हम साथ देंगे। आए जो जीवन में मुसीबत या दर्द कोई कभी तुम बांट लेना कभी हम बांट लेंगे। एक दूसरे का सहयोग करते रहें छोटा सा जीवन है हमेशा मुस्कुराते रहें।
हाँ तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।